बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो कि इतनी सारी फिल्मों में काम कर चुका है, बेहतरीन एक से एक जबरदस्त फिल्मों में काम किया है, बड़े बड़े हीरोज के साथ इन्होंने काम किया है, कॉमेडी टाइमिंग इनकी जबरदस्त है, एक्शन सीन इनका जबरदस्त है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इनकी बॉडी टाइप वालों को काम नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का रोल, फाइटर का रोल। और अब उन्होंने कहा है कि सलमान खान शुक्रिया, क्योंकि आज आपकी वजह से मुझे भी काम मिल रहा है। कौन है वो एक्टर, किसने कह दिया सलमान खान को कि शुक्रिया भाईजान, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं इस वीडियो में सारी बातें बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन शरद सक्सेना की। जी हां, कैसे भूल सकते हैं हम इन्हें, शरद सक्सेना। क्या बिल्ड है इनकी, क्या मैन, मतलब एकदम हट्टे कट्टे चौड़े। अब दोस्तों शेरनी की सक्सेस के बाद इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ने उनके साथ भेदभाव किया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि हाँ बॉस, यस बॉस, नहीं बॉस, उनको ये डायलॉग ही ज्यादातर मिलते आए हैं। और अगर बात की जाए तो शरद कहते हैं कि इंडस्ट्री में यहाँ पर ये देखा नहीं जाता कि आप अच्छे एक्टर हैं या नहीं। इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरी बिल्ड को लेकर, मुझे जो है सिर्फ मेरी मस्कुलर बिल्ड को लेकर, मेरे कलर को लेकर जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के किरदार दिए गए जो कि फाइटर के होते थे। वो कहते हैं कि इंडिया के सभी अच्छे एक्टर्स के नाम लिखिए और देखिए कि उनमें से कितने मस्कुलर हैं। हम दुनिया में सबसे अधिक रंग को लेकर सोचने वाले देशों में से एक हैं। यदि आप डार्क हैं तो आप हीरो नहीं बन सकते। यदि आपके बाल घुंघरालू हैं तो आप हीरो नहीं हो सकते। अगर आप मस्कुलर हैं तो आप हीरो नहीं बन सकते। पहले आपको फाइटर बनना पड़ता था। आज सलमान खान की वजह से, वो कह रहे हैं साफ कि सलमान खान की वजह से दुनिया बदल गई, सोच बदल गई, उन्होंने मस्कुलर को फैशनेबल बना दिया। इसीलिए आज हर आदमी जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है, वो पहले जिम जाता है और फिर कोचिंग क्लासेस में। मैं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे समय में शामिल हुआ था जब मस्कुलर लोगों के लिए सबसे खराब समय था। मुझे उस तरह का काम मिलता रहा है क्योंकि एक बार जब आप भारत में फाइटर के रूप में काम करते हैं तो आपके माथे पर टैग लग जाता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ फाइटर है। सो दोस्तों अगर आपने देखा होगा इन्हें, आपने फिर हेरा फेरी में वो तोतली भाता बोलते हुए तोतला सेठ बनाया था, और अभी शेरनी में इन्होंने इतना अच्छा काम किया शिकारी का। दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है शरद सक्सेना जी की बातों को लेकर, और सलमान खान जी को शुक्रिया अदा कहा है, कृष में भी उन्होंने काम किया अगर आपको याद होगा तो, राइट? सो कमेंट सेक्शन में जाएं, जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।